Hello friends, welcome back to my channel. Today, आज हम पिकनिक पे जा रहे हैं और हम शिप में जा रहे हैं। मम्मी तुम क्या बना रहे हो? अभी मैं ये फलाफल रोल बना रही हूँ, उसको फोल्ड करूंगी और तुम्हारे लिए सैंडविच बना के लेके जाऊंगी। ओके यस। अभी मम्मा मेकअप कर रहे हैं। मम्मा क्या मैं मेकअप कर सकती? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ? साल्थोलमन में। अच्छा, साल्थोलमन जा रहे हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी। शनाया ने कुछ बुक्स ली थी लाइब्रेरी से, वो वापस करनी है, तो वो वापस करेंगे और फिर आगे हम चलेंगे, है ना शनाया? ट्रीज कितने अच्छे लग रहे हैं ना, विंटर्स में तो ये ट्रीज बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और अभी समर में कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरे भरे हुए हैं और पत्तों स्प्रिंग से। हो रही है। हाँ, स्प्रिंग में फ्लावर्स भी लगते हैं। अब जून है। लाइब्रेरी में हमने बुक्स वापस कर दी है और अब हम घूमने के लिए चलेंगे। हम लोग साल्थोलमन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम लोग शिप में जाएंगे। गर्मी बहुत है, हमने आइसक्रीम ले ली है। हाँ, शनाया रेनबो आइसक्रीम खा रही है और मैं ये एग्जॉटिक फ्रूट आइसक्रीम। यस, ये 282। ये हमारा शिप है 282। Den svenska skäret 281 ordinarie avgång till Vrångö via Domsö och Styrsöskäret. Direktbåt till Vrångö 284. हमारा शिप नंबर है 282 और उसमें हम लोग आ गए हैं। कम शना है? Thank you.
हम लोग शिप में बैठ गए हैं और वाटर का मजा ले रहे हैं। पहले हम बाहर खड़े थे, वहां से पानी देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था और ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। अब शनाया अंदर आके बैठ गई है और यहाँ से पानी देख रही है। चलो चलो, यहाँ तो बड़ी हवा है, यहीं पर येलो लाइन से आगे नहीं जाना। उन्होंने लिखा है डोंट गो बिहाइंड येलो लाइन। हम शिप के आगे आ गए, आगे वाली साइड में, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। शिप के अंदर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में हम आए हैं। इधर इस तरह से टेबल और चेयर्स बनी है, आराम से बैठ के आप लोग खा पी सकते हैं। हम आइलैंड पे पहुंच गए हैं, अब शिप से उतर रहे हैं सब लोग, धीरे धीरे उतरेंगे। तो इवनिंग में मिलेंगे ना हमको, बच्चों के लिए किताबें भी हैं। हाँ, बच्चों का भी टाइम पास हो जाएगा बुक्स पढ़ के। यहाँ पे टॉयलेट भी है, इधर भी है टॉयलेट अगर किसी ने जाना हो तो। ये गोल्फ वाली कार्स हैं, ये इनमें बैठ के गोल्फ खेलने जाते हैं। ये देखो, ये जो वाइट वाइट है छोटी छोटी, गोल्फ खेलने जाते हैं ना तो ये वाली कार में बैठ के जाते हैं। ये तुम गोल्फ खेलेगी, आता तुमको खेलना। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े डस्टबिन के लगाए हुए हैं ताकि इधर उधर कचरा ना फेंके, तो इसलिए सबको कचरा इसी में ही डालना चाहिए। ज्यादातर ये बॉटल्स है। वो देखो एक कार आ गई, गोल्फ कार। ये कयाकिंग बोट्स हैं, इसमें बैठ के कयाकिंग करते हैं। स्टोन्स नहीं डाले, यहाँ पे बैठेंगे हम, यहाँ बिछा लेंगे और फिर अपनी पिकनिक करेंगे बिल्कुल पानी के पास। और कितनी अच्छी बोट्स हैं यहाँ पे। ओके, ओनली वन। ओके, वाह, नाइस। हाँ, इधर ही बैठ जाएंगे हम। व्यू कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, व्यू इतना अच्छा लग रहा है पानी के पास। देखिए बोट्स हैं यहाँ पे, हम यहीं पे बैठेंगे और अपनी पिकनिक करेंगे। हमने यहाँ अपनी पिकनिक स्टार्ट कर दी है। कम शनाया, अब यहाँ बैठ जाओ, मम्मा ने बिछा दिया ये। और यहाँ सामने भी कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं अपनी, इतने अच्छे व्यू के सामने बैठ के हम लोग खा रहे हैं। ये है फलाफल रोल और शनाया खा रही है सैंडविच, साथ में शनाया को पसंद है डूडल, इसकी तो ये दीवानी है। हम खा रहे हैं चिप्स। फेवरेट डूडल एंड फेवरेट चिप्स। यस, आई लाइक इट। थैंक यू शनाया। You're welcome. गुड। ये लगता है कोई रिजॉर्ट है, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो इसमें रह सकते हैं। एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए।
क्या करने लगा तुम? हाँ, अरे वाह, अरे चलने का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं, तो 4 बजे अभी वापसी का शिप आ रहा है, तो हम उसमें वापस जाएंगे। सुनाया, जल्दी आओ, शिप आ गया है। अभी हम जाएंगे साल्टहोल्ड। Hey, that's saying like a tram. Yes, it's just like a tram. देखो एक डॉगी भी है गोदी में, लाइक अ बेबी, सी। हम लोग वापस साल सोलमन आ गए हैं और यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। हम लोग तो घूम के वापस आ गए हैं, ये कुछ लोग अभी जा रहे हैं, तो उन्होंने लाइन लगाई हुई है।